विकास। जिस तरीके से लगातार देश में बुलडोजर को लाकर कार्रवाई दिखाई जा रही है और बुलडोजर के द्वारा लगातार उन गरीबों के ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है, आप देख सकते हैं सीधे सीधे तौर पर आपको जो है नेशनल मीडिया सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि अवैध निर्माण किए हुए ही निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन यहाँ तो जिनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं लगातार वो लोग दिखा रहे हैं, चाहे वो रेडी पटरी वाले हो, चाहे वो जिन्होंने अपने घर बनाए हैं, मकान बनाए हैं, कितनी मेहनत से कोई मेहनत मजदूरी करके अपना घर मकान एक घर को खड़ा करता है, उसको ये लोग ध्वस्त कर दे रहे हैं। एमसीडी जो है अपने रौबदार तरीके से पहुंचती है और लगातार तोड़फोड़ मचाने लगती है। वही बेचारे रेडी पटरी वाले और गरीब मजदूर लोग जो है अपने सामान को टूटते फूटता देख फिर उसको बटोरने लगते हैं। लगातार इस तरीके की खबरें मैंने आपको दिखाई और दिखा भी रही हूँ। कभी बुलडोजर जो है शाहीन बाग पहुंच जाता है, कभी बुलडोजर मंगोलपुरी पहुंच जाता है, तो कभी बुलडोजर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंच जाता है। लेकिन जब आप लगातार देख रहे हैं कि रेडी पटरी वाले और गरीब लोगों के ऊपर ही बुलडोजर चल रहा है, तो उसमें एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का नाम भी गूंजता है। लगातार वहां पे से खबरें आती हैं, लगातार नेशनल मीडिया वहां पहुंच जाता है और आपको ये दिखाता है कि ये कार्रवाई खाली रेडी पटरी और गरीब लोगों के ऊपर ही नहीं, पौश इलाके में भी हो रही है। लेकिन आपने सब तस्वीरें देखी होंगी, सीधे सीधे तौर पर वहां पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुलडोजर नहीं चला करके डंडे द्वारा थोड़ा 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 जो है वो तोड़फोड़ की गई है। और वहां पर आप ये सोचिए कि जो पेड़ पौधे हैं उसको भी गैर कानूनी बनाया जा रहा है। सोचिए ये सरकार पेड़ पौधों तक को गैर कानूनी बता दे रही है। अब इसी के चलते मैं आपको जिस खबर की ओर ले चलूंगी वो आज ये है ताजा मामला। जिस तरीके से शाहीन बाग में कल कार्रवाई हुई, लगातार बुलडोजर चला और वहां कालिंदी कुंज में भी इस तरीके की कार्रवाई की गई और इतनी चार मंजिला मंजिल का जो मकान था वो ध्वस्त कर दिया गया। उसी के चलते अमानतुल्ला खान की जो है गिरफ्तारी कर ली गई, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये वैध निर्माण है, अवैध निर्माण नहीं है, और उसी के चलते उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। सोचिए अगर आप अपने देश में हित की बात भी करते हैं तो आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी, इसलिए मुंह पर टेप लगा के रखिए। अमानतुल्ला खान विधायक है ओखला से और उस पूरे एरिया को वो देखते हैं, और इसी के चलते जब बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर वैध निर्माण पर होने लगी तो वो वहां पहुंचे और लोगों से दरख्वास्त की और जब एमसीडी वालों से भी दरख्वास्त की कि ये वैध निर्माण है, इस पे आप इस तरीके से बुलडोजर ना चलाएं। मैं उनके ट्वीट भी आपको लगातार दिखा दूंगी इस पर। और जब उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप वैध निर्माण को जो है तोड़ नहीं सकते, तो इसी पर जो है उनकी असंवैधानिक गिरफ्तारी हो जाती है। उनको इस तरीके से कॉलर पकड़कर घसीट कर ले जाया जाता है, जैसे किसी आतंकवादी को ले जाया जा रहा हो, जैसे किसी चोर उचक्के को पकड़कर ले जाया जा रहा हो। लेकिन जब उनकी इस तरीके की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसी के चलते आज जो है पूरे ओखला शाहीन बाग में इस विरोध में सारी जनता जो है वहां की विधायक का सपोर्ट करती है। जी हाँ, सारी जनता ने इस विरोध में अपनी दुकानें बंद रखी, पूरे 9 बजे से 5 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखते हैं। ये विरोध प्रदर्शन उन्होंने शांतिपूर्वक जताया। उसके बाद जो है कैंडल मार्च भी निकाली जाती है और लगातार इस तरीके से आ रहा था कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनको साकेत कोर्ट में ले जाया गया है। उनकी वाइफ जो है उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरे जो शौहर हैं उनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक तरीके से की गई है और मुझे डर है कि उनके साथ कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए, क्योंकि 3-4 घंटे से मेरे शौहर का कोई अता पता नहीं लग रहा है कि उनके साथ किस तरीके की घटना की जाएगी। उनका डर वाजिब है, क्योंकि जिस तरीके से देश में एक ही कौम को टारगेट किया जा रहा है, तो उनका डर वाजिब था, क्योंकि उनके शौहर की कोई अरेस्टिंग के बाद कोई अता पता नहीं लग रहा था, ना ही कोई कार्रवाई करते हुए कोई जानकारी दी जा रही थी उनको, तो इसलिए उन्होंने ट्वीट किया। और इसी के चलते वहां की जनता ने विरोध प्रदर्शन किया, अपनी जो जितने भी वहां पर दुकानें हैं वहां को उसको शट डाउन करके उन्होंने विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया। उसके बाद जब आज ही 13 मई के दिन जब उनको साकेत कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया, तो उनके साथ सारे सभी लोग मौजूद थे, वाजिद वहां के काउंसिलर मौजूद थे, वो सब लोग मौजूद थे। अभी ताजा खबर जो है यही है, ब्रेकिंग न्यूज यही है कि उनकी जो है बेल हो गई है, उनकी संवैधानिक जो गिरफ्तारी की गई थी उसको बेल मिल चुकी है। अमानतुल्ला खान को आज जो है बेल मिल चुकी है। ये लगातार मैं इस तरीके की खबरें आपको दिखाती रहूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उठ के सामने आती है वो ये है कि अमानतुल्ला खान आम आदमी पार्टी से है और आम आदमी पार्टी से किसी भी नेता ने आकर सामने आकर
किसी भी तरीके की उनकी असंवैधानिक गिरफ्तारी पर सामने आकर नहीं बोला है। यहाँ तक कि केजरीवाल जी ने भी जो है सामने आकर नहीं बोला है, सिसोदिया जी ने भी खुलकर नहीं बोला है, किसी ने भी आकर नहीं बोला है, चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे जितने भी नेता है आम आदमी पार्टी के, किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला है। इससे पहले भी इस तरीके की ही दोगलापंथी आम आदमी पार्टी द्वारा देखी गई थी, तब भी जो है केजरीवाल जी ने मुंह नहीं खोला था और ना ही कोई ट्वीट किया था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपना मुंह क्यों नहीं खोला है और सामने आकर इस तरीके की असंवैधानिक गिरफ्तारी, अमानतुल्ला खान की असंवैधानिक गिरफ्तारी पर मुंह क्यों नहीं खोला। या एक शब्द भी बोल दिया होता तो शायद अमानतुल्ला खान को शांति मिल जाती, लेकिन आम आदमी पार्टी की ये दोहरी नीति देखिए कि किसी ने भी सामने आकर नहीं बोला, किसी भी नेता ने सामने आकर नहीं बोला, चाहे वो अतिशी हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे तो सिसोदिया हो, मनीष सिसोदिया हो, चाहे केजरीवाल हो। सबसे बड़ी बात यही है कि आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्ला खान के लिए उन्होंने एक दो टूक शब्द भी नहीं बोला। ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है, क्यों नहीं बोला। लगातार इस तरीके का सवाल जो है उठ रहा है, लगातार सवाल या निशान लगा हुआ है आम आदमी पार्टी पर कि इतनी बड़ी असंवैधानिक गिरफ्तारी अमानतुल्ला खान की होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने मुंह नहीं खोला है, किसी भी नेता ने ट्वीट नहीं किया है। कहीं ना कहीं ये दोगला चेहरा देखने को मिल रहा है और क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या आपस में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कोई साठगांठ है या फिर दोनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिली हुई है। इतनी बड़ी बात हो जाती है, जिस विरोध, जिस बुलडोजर का विरोध वो करने खड़े हुए थे, जो कि जनता के हित में ही था, जो वैध निर्माण था उसी को रोकने के लिए वो सामने खड़े हुए थे, जब इतना बड़ा कदम आम आदमी पार्टी से अमानतुल्ला खान ने उठा लिया तो आम आदमी पार्टी क्यों चुप है, ये समझ में नहीं आता है। ये बहुत बड़ा सवाल है अपने में। इसी तरीके की खबरें आपको मैं और दिखाती रहूंगी, जब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।